सबसे पहले मैं आप सब लोगों का बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी का जिन लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया उन सबका हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा कि बलूचिस्तान के मेरे भाई और बहन जो इस आजादी की लड़ाई को लड़ रहे हैं उन्होंने मुझे मौका दिया कि सौभाग्यशाली काम में मैं उनकी जो लड़ाई चल रही है उसमें थोड़ा सा उनका साथ निभा पाऊं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। मित्रों, सबसे पहले मैं अपनी बात रखूं, उससे पहले मैं शेरे बलूचिस्तान और दुनिया भर के जो भी लोग अपने देश से प्रेम करते हैं, जो अपने देश से प्यार करते हैं, उन सभी लोगों के हीरो नवाब अकबर खान मुफ्ती साहब को सलाम करता हूं, उनके पैरों में नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। तो जब भी हम उनका जीवन पढ़ते हैं, हम उनका इतिहास पढ़ते हैं, उन्होंने जो जीवन में संघर्ष किया है, तभी हम वो पढ़ते हैं तो उनका पूरा जीवन हमें प्रेरणा देता है। क्या जीवन था उनका, क्या संघर्ष था, किस चीज की कमी थी उनको, क्या वैभव की कमी थी, क्या पैसे की कमी थी, क्या धन दौलत की कमी थी, लेकिन बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई की खातिर, बलूचिस्तान के लोगों की खातिर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। मित्रों, सब कुछ त्याग दिया। मित्रों, अगर नवाब अकबर खान मुफ्ती साहब चाहते तो वो महलों में रह सकते थे। अगर नवाब अकबर खान मुफ्ती साहब चाहते तो अपने जो उनके पास धन दौलत थी आराम से रह सकते थे, लेकिन उन्होंने उस महलों को त्याग के पहाड़ों की गुफाओं में रहना स्वीकार किया, क्योंकि वो बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई में संघर्ष। अगर चाहते तो रेशम के गद्दों पर सो सकते थे, लेकिन बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई की खातिर उन्होंने उस रेशम के गद्दों को छोड़ के उन पत्थर की चादरों पर सोना स्वीकार किया। मित्रों, किस चीज की कमी, लेकिन उन्होंने इस बलूचिस्तान की लड़ाई की खातिर, अपने बलूच भाई बहनों की लड़ाई की खातिर सब कुछ हो गया। और आज जब आज हम उनकी 10वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि उनका जो जीवन था, अगर उनके पूरे जीवन का अगर 1% भी हम अपने जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आज मैं ये कहना चाहता हूं। और मित्रों, आज मैं पूरी दुनिया के लोगों को कहना चाहता हूं, जो भी अपने देश से प्रेम करता है उनको कम से कम एक बारी अपने जीवन में नवाब साहब की, मुफ्ती साहब की जो इतिहास है वो पढ़ना चाहिए। और मित्रों, आज हम उसकी 10वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं बलूचिस्तान की जिस धरती पे उनका लहू गिरा है वो लहू बेकार नहीं जाएगा, और जल्द ही बलूचिस्तान आजादी का नया सवेरा देखेगा। बलूचिस्तान पर हुए हैं 50,000 से ज्यादा मासूमों को पाकिस्तान की सेना द्वारा जिस तरीके से मारा गया, महिलाओं को मारा गया, युवाओं को मारा गया, बुजुर्गों को मारा गया, मौत के घाट उतार दिया गया, महिलाओं की पाकिस्तान के स्क्रीनों में चेहरे को दिखाने का समय आ गया है। किस तरीके से पाकिस्तान के लोगों ने मासूमों का कत्ल किया है, सर इसलिए क्योंकि वो अपना हक मांग रहे थे, सर इसलिए क्योंकि वो अपनी आजादी की लड़ाई मांग रहे थे, वो कोई पाकिस्तान का टुकड़े करने की मांग नहीं कर रहे थे। जिस बलूचिस्तान पर जबान कब्जा किया है पाकिस्तान ने, उसको आजाद करने की मांग कर रहे थे। जब मैं जनरल टिक्का खान का मैं इतिहास पढ़ता हूं, जिस तरीके से उन्होंने बलूचिस्तान में जुर्म किया, तो मुझे वो अंग्रेजों का जनरल डायर याद आता है, मुझे वो जलियांवाला बाग याद आता है। मित्रों,
प्रोजेक्ट विमुक्ति साहब का इतिहास याद करता हूं। पाकिस्तान कहता है कि वो आतंकवादी थे। मित्रों मैं कहना चाहता हूं अगर पाकिस्तान कहता है वो आतंकवादी थे तो इसमें हमें शर्माना नहीं चाहिए। ये अंग्रेज भी भगत सिंह सर आजाद और सुखदेव राजगुरु को आतंकवादी कहते थे। जिन जिन लोगों ने कब्जे की राजनीति की है, जिन जिन लोगों ने जुर्म की राजनीति की है, आजादी के वीर सेना के गुरु ने आतंकवादी कहा है, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे वो पाकिस्तान हो। मित्रों आज मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे बलूचिस्तानी भाई बहन हैं, वो इस आजादी की लड़ाई में अकेले नहीं है। आज पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आज पूरा हिंदुस्तान आपकी इस लड़ाई में आपके साथ है। आजादी की लड़ाई के बाद भारत के 70 साल के आजाद भारत के इतिहास में पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान को इस तरीके से ओपन में सपोर्ट किया है। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को भी आज के बधाई देना चाहता हूं। मित्र ये जो मोदी जी बलूचिस्तान के समर्थन में बात कही, कहना चाहता हूं एक बार यह मोदी जी का इतिहास पढ़िएगा, या तो वो कुछ कहते नहीं है और जब वो कहते हैं तो उसे करके दिखाते हैं। और मैं कहना चाहता हूं को आजाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। मित्रों हमने पूर्व में भारत में बलूचिस्तान के समर्थन में कई कार्यक्रम किए, दूसरी कार्यक्रमों का मैं जिक्र करना चाहता हूं। 2012 के अंदर जब पाकिस्तान के नेता भारत में आए तो पाकिस्तान के हाई कमीशन के गेट पे हमने बलूचिस्तान की आजादी के पोस्टर लेकर आए थे ताकि उनको मैसेज जा सके कि बलूचिस्तान की लड़ाई में हमारे बलूच ने मेहनत के लिए की है। और एक साल पहले हमने भारत में बलूचिस्तान के समर्थन में एक सेमिनार किया जिसमें भारत की जाने वाली हस्तियां जनरल बख्शी साहब, रॉ के पूर्व ऑफिसर आर एस एन सिंह साहब और आर ए बलूच के रिप्रेजेंटेटिव ने भी हिस्सा लिया। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि लड़ाई यहां नहीं रुकने वाली। जो हमने भारत के अंदर इस कार्यक्रम में करना हमने शुरुआत की है, इसको भारत के हर कॉलेज में लेके जाएंगे, इसको हम भारत की हर यूनिवर्सिटी में लेके जाएंगे और दुनिया भर में कहीं भी भारतीय बसते हैं वो इस बलूचिस्तान की लड़ाई में हमारे बलूच भाई बहनों के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे, चेहरे को बेनकाब किया जा सके और बलूचिस्तान की इस आजादी की लड़ाई को सफल बनाया जा सके। इसी के साथ मैं सभी मित्रों का धन्यवाद करता हूं। बलूचिस्तान आजादी की सवेरा लेगा और उम्मीद है जब अगली बारी हम आपके साथ मिले हम बलूचिस्तान आजाद बलूचिस्तान में आपके साथ आके मिलने का। तो ही राजेंद्र भगत भी तो इंडिया